ये क्वेश्चन है, देखिए अब इसको किस तरीके से सोचा जाए। देखिए चाहे इस मिट्टी में जो टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो हमको कितना रिक्वायर्ड है, अब देखिए सवाल को, डैम में जो मिट्टी है वो हमको कितना चाहिए, टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब ये सॉलिड है और ये वॉइड है, ठीक। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। तो जो मिट्टी की आवश्यकता है उनको इतनी है, मतलब इतना वॉल्यूम टोटल इनको चाहिए। तो टोटल वॉल्यूम हमको दिया हुआ है कि टोटल वॉल्यूम इज 18 × 10⁶ मीटर क्यूब, ये हमको दिया हुआ है। वाइड रेशियो हमको दिया हुआ है, वाइड रेशियो क्या होगा, वी वी अपॉन वी एस, ठीक है, वी वी अपॉन वी एस। और पोरोसिटी क्या होगा, पोरोसिटी होगा वी वी अपॉन टोटल वी, यही तो होगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, पहले समझ लें कि हमको क्या करना है। तो देखिए अगर हम वॉइड रेशियो में दिया हुआ, वॉइड रेशियो कितना दिया 0.8, अगर हम वॉइड रेशियो की मदद से पोरोसिटी निकाल लें, जो कि हम निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्मूला, तो हमको वॉल्यूम ऑफ वॉइड पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम हमें पता है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड पता चल जाएगा, इसको टोटल वॉल्यूम से घटा दें तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता चल जाएगा। तो बेसिक चीज़ है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब वास्तव में सॉइल का सॉलिड पोर्शन कितना होगा, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए चाहे हम बोरोपिट ए से उठाएं, चाहे बी से उठाएं मिट्टी, चाहे सी से उठाएं, वॉइड का मान अलग अलग होगा, लेकिन जो रिक्वायरमेंट सॉलिड की होगी वो सेम होगी। तो इस बांध को बनाने में सॉलिड पार्टिकल सॉइल के कितने लगेंगे, वी एस कितना होगा, अगर हमको पता लग जाए तो उतने ही वी एस के लिए टोटल वॉल्यूम इसका कितना होगा, उतने ही वी एस के लिए इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, या उतने ही वी एस के लिए इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं। और टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा तो हमें खर्च दिया हुआ है, हम उस खर्च से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल खर्चा मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। इस सवाल का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि चाहे आप ए से ट्रांसफ़र करें, चाहे बी से ट्रांसफ़र करें, चाहे सी से ट्रांसफ़र करें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल रिमेन सेम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर आपको ए से लाना है तो भी उतना ही होना चाहिए, बी से लाना तो भी उतना होना चाहिए, सी से लाना उतना ही होना चाहिए। चूँकि वॉइड रेशियो सॉइल के अलग अलग है इसलिए तीनों केस में टोटल वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा, और चूँकि रेट भी फ़र्क फ़र्क है इसलिए तीनों की कॉस्टिंग भी अलग अलग हो जाएगी। उसमें जिसकी न्यूनतम कॉस्टिंग आएगी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब हम देख लें कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा। तो पहली बात है कि हम पोरोसिटी निकाल लें, तो पोरोसिटी निकालने के लिए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन वन प्लस ई, ये डैम के लिए, ये सारी चीज़ें डैम के लिए, तो ई इज इक्वल टू ई, एन इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई, दैट इज 0.8 अपॉन 1.8। तो पोरोसिटी का मान आ गया हमारा 0.44, और पोरोसिटी बराबर क्या हो गया इस फॉर्मूले से, 0.44 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज 18 × 10⁶। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया आपका 7.92 × 10⁶ मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड आया, ठीक है, ये मैं कह लूँ देयरफोर वी वी इक्वल टू, देयरफोर वी वी इक्वल टू इतना, टोटल वॉल्यूम में से घटा दूँ, वी एस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वी वी, दैट इज इक्वल टू 18 × 10⁶ माइनस 7.92 × 10⁶, दैट कम्स आउट टू बी 10.08 × 10⁶, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। इतना मीटर क्यूब,
तो कुल मिला के हमको जो पता चला कि डैम के लिए अगर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चाहिए तो कितना चाहिए, 10.08 इंटू 10^6 मीटर क्यूब, इतना सॉलिड हमको चाहिए। किसके लिए चाहिए? इस डैम को बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, अब देखिए बोरोपिट देखते हैं। ये तो डैम की कहानी हो गई, अब बोरोपिट को देखते हैं। बोरोपिट ए देखिए, बोरोपिट ए में क्या है, इज इक्वल टू 0.9 इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस। तो वी वी का मान क्या हो जाएगा, 0.9 टाइम्स वी एस, और वी एस का मान कितना होगा, सॉलिड हमको उतना ही चाहिए जितना यहाँ पे चाहिए, तो ये हो गया 0.9 इंटू, चलिए अभी इसको वैल्यू नहीं रखते। अब देखिए टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम जो वी है दैट विल बी इक्वल टू वी वी प्लस वी एस, दैट विल बी इक्वल टू 1.9 वी एस। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, जो कॉस्टिंग जो वॉल्यूम होगा वो 1.9 वी एस हो जाएगा। वी एस का मान यहाँ से रख सकते हैं तो हमको टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा, और खर्चा कितना है, 30 रुपीज़। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस विल बी इक्वल टू 1.9 इंटू 30 इंटू वी एस। ठीक, बी केस में देखिए क्या होगा, बी केस में आपका वाइड रेशियो 2 है तो वी वी जो है ये आपका 2 वी एस हो जाएगा, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम जो है आपका ये 3 वी एस हो जाएगा, और टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस जो आ जाएगा आपका हो जाएगा 3 वी एस और मल्टीप्लाइड बाई रेट है 20 वी एस, इतना हो जाएगा। ठीक है, आप सी में आ जाइए, सी में वाइड रेशियो 1.6 है तो वी वी इज इक्वल टू 1.6 वी एस, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 2.6 वी एस, तो टोटल एक्सपेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 25 वी एस। ठीक है, तो देखिए इसको यदि कैलकुलेट कर लें तो ये 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 30 57 वी एस। देखिए पहले केस में आया 57 वी एस, दूसरे केस में आया 60 वी एस, और तीसरे केस में आएगा 65 years। ठीक है, तो देखिए पहले में कुल खर्चा आ रहा है 57 इंटू वी एस, दूसरे में कुल कितना आ रहा है 60 इंटू वी एस, तीसरे को लोड करने में कितना आ रहा है 65 इंटू वी एस। तो मिनिमम एक्सपेंस सबसे कम खर्चा कितने में आ रहा है, मिनिमम एक्सपेंस किस में आएगा, जब आप बोरोपिट कौन सी यूज़ करेंगे, जब आप बोरोपिट यूज़ करेंगे ए। तो यदि आप ए बोरोपिट से मिट्टी उठा के यहाँ रखेंगे तो आपका मिनिमम एक्सपेंस आएगा वो कितना आएगा, 57 वी एस। तो 57 वी एस मतलब 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वॉल्यूम को, 18 × 10^6 इतने रुपये का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू लगभग आ रही है आपकी 5.5
7 × 4 × 10⁸ करोड़ों में आएगा, इतना रुपए आपका खर्च होगा इस स्टैम्प की मिट्टी को उठाने में। तो ये देखिए जो ये कंसेप्ट था, ये बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी बोरोपिट से मिट्टी उठाने की प्रॉब्लम आती है तो सबसे सिंपल जो थिंकिंग है वो यही होती है कि जो VS है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, वो चेंज नहीं होगा। तो डैम का हम सबसे पहले जो गिवन डेटा है इसका VS निकाल लेते हैं, उतनी VS में टोटल वॉल्यूम इसका कितना लगेगा, टोटल वॉल्यूम इसका कितना लगेगा, टोटल वॉल्यूम इसका कितना लगेगा, टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हर एक का रेट दिया हुआ, उस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा सबसे सस्ता ऑप्शन होगा, और उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता है सबसे सस्ता ऑप्शन कौन सा होगा और किस बोरोपिट से हमें इस मिट्टी को कैरी करना चाहिए। तो इसके साथ ही ये जो आपका दूसरा चैप्टर है, इसके मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही जल्दी आपके सामने ये क्विज आएगी और कुछ पेपर्स भी आएंगे जो आपको करने होंगे। दूसरा ये है कि हम लोग कंटिन्यूस इवेल्युएशन कर रहे हैं। जो पिछली क्विज हुई थी उसमें मात्र जो है वो 51 बच्चे अपीयर हुए थे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आपका कंटिन्यूस इवेल्युएशन हो रहा है और कंटिन्यूस ये पढ़ाया भी जा रहा है सब्जेक्ट। तो आपसे यही आपको इंस्ट्रक्शन है कि आप जो भी बच्चे हैं वो क्विज़ के टाइम बहुत अलर्ट रहिए और इन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि जो लेक्चर्स हम पढ़ा रहे हैं वही एग्ज़ाम में आता है और वही जो है हम आपसे पूछ भी रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी इससे हो जाएगी। और सारे लेक्चर्स आप देखिए और ये कीजिए कि आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए। अब कोई भी किताब आप ले लीजिए, उस किताब की आप प्रैक्टिस कीजिए सवालों की। और अगर आप, मेरे ख्याल से बुक शॉप सब खुल चुकी हैं तो आपको बुक सारी अवेलेबल हैं, और अगर नहीं अवेलेबल हैं तो हम लोग क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप कोई भी एक किताब ले लें और उसके सवाल लगाएं, अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई करें। अनसॉल्व क्वेश्चन में क्या होगा कि आप जो है उससे आपका कैलकुलेशन का कॉन्फिडेंस आएगा, और इसे कैलकुलेटर से निकालें और कैलकुलेटर से निकाल के इसे सॉल्व करें। तो आज के लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगला जो है हम थोड़ा इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आएगा, उस पर हम अगला आपका लेक्चर लेंगे। तब तक एक हो सकता है हम लोग बीच में मौका लगे तो किसी तरह एक इंटरेक्शन सेशन भी कर सकते हैं। आप इन डेफिनेशंस को एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके कंठस्थ होंगी तभी आपको आगे टेक्निकल समझ में आना शुरू होगा, और यदि आप इसको मिस कर जाएंगे तो आपको फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।